नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिश। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। वह अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भी विलय बीजेपी में करेंगे। कैप्टन के साथ उनका पुत्र रणिंदर सिंह, बेटी जयिंदर कौर, मुक्तसर की पूर्व विधायक करण कौर और भदौड़ से पूर्व विधायक निर्मल सिंह भी बीजेपी में शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले कैप्टन के कई साथी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बीजेपी में शामिल होने के बाद अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल बीजेपी पंजाब में संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इस समय पंजाब बीजेपी प्रदेश प्रमुख कैप्टन अश्विनी शर्मा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि अमरिंदर के अलावा उनके साथियों को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वहीं पार्टी में शामिल होने की खबरों के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं और बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते साल नवजोत सिद्धू से टकराव के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी। पंजाब के सीएम पद से भी इस्तीफा दिया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई थी। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के फैसले पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का यह गलत निर्णय है। मुझे नहीं लगता कि लोग उनके इस निर्णय को सही मानेंगे क्योंकि अभी किसान आंदोलन खत्म हुआ है। मैं मानता हूं बहुत गलत निर्णय है कप्तान अमरिंदर जी का। वो स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, प्रजातंत्र में कोई भी होता है, लेकिन बहुत गलत निर्णय है। ऐसी पार्टी में जहां किसान आंदोलन में 750 किसानों को अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी, भारतीय जनता पार्टी तो अभी अभी वो किसान आंदोलन होके हटा है, ऐसे समय में मैं नहीं मानता उनके इस निर्णय। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अमित अरोड़ा दीवान, प्रवक्ता बीजेपी, वरुण पुरोहित, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। अमित जी, कैसे देखते हैं कि कैप्टन कहीं एक चेहरे की तलाश थी बीजेपी को पंजाब में, बड़े चेहरे की, और अब पंजाब में बीजेपी को कप्तान मिलने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं कि पंजाब में जो बीजेपी का कहीं एक आधार है वो कमज़ोर है, वो शायद मजबूत होगा और नई एक शुरुआत होगी? चंद्रशेखर जी, ऐसा है कि पंजाब में बहुत से बड़े चेहरे हैं आज भारतीय जनता पार्टी। कहाँ है बताइए, एक दो नाम गिनाइए मुझे, मैं गिन लेता हूँ नाम, कौन कौन है बताइए, बीजेपी के कौन है बताइए, मैं उंगलियों पे गिन लेता हूँ, बताइए मुझे। अरे चंद्रशेखर जी, हाँ। पंजाब में हमारे जो दो विधायक, हाँ। और एक डंके की चोट पे जो जीत के आए हैं अश्विनी शर्मा जी, जो मतलब वो हमारे बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब में। श्वेत मलिक बहुत बड़ा चेहरा है, तरुण चुग बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब के। और इसके अलावा हमारे पास पिछले दिनों सुनील जाखड़ भी आए हमारी पार्टी में, क्या वो बड़ा चेहरा नहीं है? देखिए, आप बुरा मत मानिए, देखिए अमित जी, मैं बहुत स्वस्थ डिबेट करता हूँ, बुरा मत मानिए। दरअसल मेरा जो उद्देश्य या जो परिप्रेक्ष्य कैप्टन के जुड़ने का है वो इस विषय में है कि पंजाब में बीजेपी कैसे मजबूत होगी। और आपको पता है अच्छे तरह से 54 विधायकों की, जो विधायक प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अकाली दल से संबंध तोड़ने के बाद एक मजबूत आधार की आवश्यकता, ये आपको मानना पड़ेगा अमित जी, चाहे आप बुरा मान के माने चाहे भला मान के माने, मानना तो पड़ेगा आपको। देखिए ऐसा है चंद्रशेखर जी, पंजाब में कभी भी हम इससे पहले प्रमुख भूमिका में नहीं रहे। हाँ, यही केवल 23 सीटों के ऊपर हम लोग लड़ाई लड़ते थे। हाँ, और बड़े भाई की भूमिका जो है वो अकाली दल लड़ता था। अब देखिए, एक गठबंधन में होने के कारण हमें कभी भी डिप्टी सीएम नहीं दिया गया अकाली दल की तरफ से। तो बात ये है कि पंजाब में अब पहली बार पूरी सीटों के ऊपर, सभी सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है। और अगर कैप्टन साहब आ रहे हैं और बाकी लोग आ रहे हैं तो हमारी पार्टी की अच्छी नीतियों को देख कर आए हैं। वो तो और दूसरी पार्टी में नहीं चले गए, ठीक है, अकाली दल में नहीं चले गए, आम आदमी पार्टी में नहीं चले गए। अगर इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां अच्छी लग रही है, राष्ट्रवादी नीतियां अच्छी लगती है, तो ये लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं।
ठीक है। अब मैं अभी अभी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सुन रहा था कि भाई इतने किसानों की किसान आंदोलन के दौरान वो मौत हो गई। अरे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस की लाठी से एक भी किसान नहीं मरा, एक भी किसान की मौत नहीं हुई पुलिस की लाठी से। तो उसमें सरकार का क्या कसूर है भैया? कोई बीमार किसान अपनी लाठी जी ने तो प्रधानमंत्री जी ने तो खुद माफी मांगी, उन्होंने कहा कि ये गलती हुई है और कहीं ना कहीं इसको बड़े मन से स्वीकार करना चाहिए। चंद्रशेखर जी उन्होंने कहा हम किसानों को समझा नहीं पाए, इसके लिए माफी मांगते। ठीक है ठीक है, उन्होंने आप उनका उनका ठीक है भाई, ठीक है वक्तव्य पर गौर कीजिए प्रधानमंत्री जी के। उन्होंने कहा हम किसानों को समझा नहीं पाए, ठीक है हमारे कानून अच्छे थे। बिल्कुल वरुण जी, ये बताइए जिन किसानों ने, सवाल आप समझने की कोशिश करना, वो जो टमाटर ज़्यादा उत्पादन हो गया था उनको फेंक दिया, उसके बाद बड़ी कंपनियों ने उन्हीं टमाटरों को उठा के सॉस बना के उससे 100 गुना दाम ज़्यादा पर बेच रहे हैं, समझ रहे ना आप बात को? तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस इसी तरह से समाप्त होती रहेगी? और जहाँ पर बढ़िया एक नेतृत्व कांग्रेस के पास था, कई गलत निर्णय से आज पंजाब में कांग्रेस धराशायी है और उसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल रहा है। सुनील जाखड़ चले गए और सुनील जाखड़ उस परिवार से आते हैं जहां बड़ा नाम उनके पिताजी का रहा है बलराम जाखड़ का, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को बड़ा एक जिसे खिलाड़ी माना जाता है राजनीति का, वो भी आपसे टूट गए। लगता नहीं है आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार बड़ा चिंतन करना चाहिए? अब यात्रा तो बड़ी कर रहे हैं आप, चिंतन भी बड़ा करना चाहिए। आदरणीय चंद्रशेखर जी, चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, खाली सेंट्रल सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता। अगर उसको दुरुस्त कर लिया जाए तो जैसे पंजाब का निर्णय गलत निर्णय हुआ था, हम लोगों ने उस समय डिबेट भी की, मैंने उसको गलत बताया था। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, हम लोग बता भी देते हैं गलत, लेकिन उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा। लेकिन कांग्रेस खत्म कहां हुई है, समाप्त कहां हुई है? केजरीवाल के जितने विधायक है आते ज्यादा कांग्रेस के। आज आप जो चर्चा करो, आपने शुरुआत में कहा पंजाब लोक कांग्रेस का विलय बीजेपी में होगा, अभी आपने सुनील जाखड़ का नाम लिया, कौन है कैप्टन, ये सब कांग्रेस के। तो भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती थी कि हम सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, आप मुझे बताइए देश में कहां है सबसे बड़ी पार्टी? अगर सबसे बड़ी पार्टी होती तो हर स्टेट में कांग्रेस को ले लेके सरकार बना रही। आज भी इतनी भयाक्रांत है ये खुद के कार्यकर्ताओं को आजमा नहीं पाती है, या तो गांधी परिवार को पोसती रहती है दिन भर, ये कांग्रेस के नेताओं को ले लेके अपनी सरकारें बना रही है। आज ये इतना दम भर रहे पंजाब में, हम ये करेंगे, हम। अरे भाई कैप्टन साहब बहुत आदरणीय है, बहुत अच्छे नेता रहे हैं, लेकिन बहुत बुजुर्ग हो गए। अगर उनमें ही दम होता सीटें लाने का तो खुद की जब पार्टी बनाई तो 10-20 सीट तो ले आते ना। अब ठीक है चले जा रहे हैं, उनको राज्यपाल राज्यसभा कुछ बुजुर्ग है लास्ट में दिख रहा है कुछ ना कुछ। एक्चुअली क्या है, कांग्रेस की जो गलती रही है प्रारंभ से त्रिशूल भाई, वो ये नहीं है कि कुछ एक कुछ ही लोगों को सारी चीजें, सत्ता का मतलब रस चस, बेटे को भी पत्नी को भी पूरा परिवार मजा लेता आ रहा है, मैं कैप्टन साहब की नहीं, सब कई लोग कई स्टेट्स में ऐसी प्रॉब्लम। तो अगर ये निरंतर बदलाव आता रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती साहब, कैप्टन साहब को क्यों हटाए? देखिए कांग्रेस के नाम से वोट पड़ता है, कैप्टन साहब के नाम से वोट पड़ रहा होता उन्होंने सरकार वो अपनी पार्टी बनाई 10-5 सीट ले ले। अब रही भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तो सोच रही है पंजाब में कैसे अपने एंट्री करें, अकाली दल को धोखा देने के बाद एंट्री तो कर ली बीजेपी ने, दिख नहीं रहा है एंट्री तो देखो दिख नहीं रहा है आज कांग्रेस, कांग्रेस और बीजेपी को देखेंगे तो बीजेपी मोर्चा मार रही है भाई पंजाब में, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, कांग्रेस के नेता लेके बना रहे तो क्या का मोर्चा, खुद के आदमी आते तो मानता मैं मोर्चा। कांग्रेस का मूल संगठन कमजोर हो रहा है ना, कांग्रेस का मूल संगठन कमजोर हो रहा है। कांग्रेस का संगठन कहीं कमजोर नहीं हो रहा, कांग्रेस के अंदर ओवरफ्लो होता है मटेरियल, उसको ही लेके सरकारें बना रहे। सबसे बड़ी पार्टी कहां से हुई? आज भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी, सारी पार्टियां कांग्रेस के आगे लेके कांग्रेस ही। वरुण जी देखिए, आप कैप्टन अमरिंदर सिंह के और सुनील जाखड़ के अस्तित्व को नकारेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये तर्कसंगत या प्रासंगिक है वर्तमान राजनीति में पंजाब के परिपेक्ष में। मैं मेरी बात सुन लो त्रिशूल जी, आप मेरे से ज्यादा विद्वान हो, राजनीति ज्यादा देखते हो, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी और जो नेताओं का आप नाम ले रहे हो उसका जुड़ाव बता रहा हूँ। सुनील जाखड़ जी कांग्रेस में थे तो नेता थे, लेकिन चुनाव जीत लेते, भतीजे को जिता लेते, परिवार में से किसी को जिता लेते,
ऐसे कैप्टन साहब है, कांग्रेस में थे तो बड़े नेता थे, अगर खुद अलग पार्टी बनाई तो जीत लेते। मैं किसी के अस्तित्व को नकार नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो आप जिन उनका ओरा जितना बड़ा समझ रहे हो वो कांग्रेस के साथ रहने से था। आज फिर अगर मान लीजिए इतना बड़ा ओरा है तो नेताओं को बीजेपी में जाने की क्या आवश्यकता है भाई, खुद जीत जीत के अपनी बनाओ, अपने इलाके में जीतो, खुद में दम है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सही बात। आप जो कांग्रेस की बात करो, कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम, मैंने कहा हर बार कहा आपने इतने साल से डिबेट, कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त हो जाएगा, जिस दिन भी दुरुस्त हो जाएगा, जिसकी उम्मीद बहुत जल्दी होती जा रही है, तो उस दिन ही सारी पार्टियां धड़ाम हो जाएंगी, क्योंकि तो सारे कांग्रेस के मटेरियल को लेकर राज कर रहे हैं। ठीक है, खुद का तो पैदा ही नहीं कर पाए, अगर सबसे बड़ी पार्टी थी तो इनके खुद का समान होना चाहिए था, मेरा कहना ये है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत हो जाएगी, सेंट्रल सिस्टम मजबूत हो जाएगा, तो जो सत्ता का लालच या सत्ता लोलुप लोग हैं उनका अगर परिवर्तन होता है तो अच्छी बात है कांग्रेस में। मैं कह रहा हूँ कैप्टन साहब, सुनील जाखड़ पे पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, जो आदमी कई सालों से राज भोग रहे हैं, परिवार के रूप में भोग रहे हैं, वो अगर जाते हैं खुद चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो दूसरी पार्टी का सहारा ले रहे। ठीक है, ठीक है, खुद के लिए मैं आऊंगा आपके पास। अमित जी, क्या लगता है कि पंजाब में पूरी तैयारियां कर ली हैं कि कैसे इस बार जो अगली बार चुनाव लड़ा जाना है उसकी तैयारियां पूर्व में पूरी तरीके से पंजाब को कहीं ना कहीं केंद्रीकृत कर लिया है बीजेपी ने, और शायद इसीलिए सारी कवायद की जा रही है? देखिए आता है चंद्रशेखर जी के, सबसे पहले तो अभी चार नगर निगम के चुनाव है, और पहला लक्ष्य जो है पंजाब में निगम चुनावों में अपने प्रत्याशियों को लड़ाना सभी सीटों के ऊपर, क्योंकि अकाली दल के बिना सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने, ये सबसे एक अहम लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का। उसके बाद 2024 की लोकसभा की लड़ाई है। अब ये कह रहे हैं जी सुनील जाखड़ जब कांग्रेस में थे तो बड़े नेता थे, रोहित जी कह रहे हैं, अरे भाई आपने बड़े नेता की इज्जत तो रखी नहीं। क्या कहा था अंबिका सोनी ने कि पंजाब में हिंदू व्यक्ति हमें सीएम नहीं चाहिए, कहा था ना अंबिका सोनी ने, पूरी हिंदू कम्युनिटी की इंसल्ट कर दी उन्होंने, तो बड़े नेता का अपमान किसने किया? इसी प्रकार अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो आपके सभी चैनल जो हैं वो कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के सर्वे दे रहे थे, तो आपने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बना दिया, और आपने बड़े नेता अमरिंदर सिंह की इज्जत कहां की? उनको बिना कॉन्फिडेंस लिए विधानसभा में उनके खिलाफ सभी एमएलओ को उनके खिलाफ आपने वोटिंग करवा दी। अब सुनील जाखड़ के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट थे, सबसे ज्यादा विधायकों के वोट थे, तो आपने चन्नी जी को कैसे बना दिया मुख्यमंत्री? तो बात यह है कि ये बड़े नेताओं का तिरस्कार करते हैं। अभी गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा कि मैं राहुल गांधी को नेता नहीं मानता। अच्छा, ये जिस पे कांग्रेस में कीचड़ फेंकते हैं आप उस पर कमल फेंक देते हैं अमित जी? देखिए देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो है वो राष्ट्रवादी है, और वो पकड़ लेता है। नहीं नहीं, ऐसा है ईमानदार ईमानदार पार्टी हमारी नीतियों को देखकर हमारे पास जो भी आएगा वो स्वच्छ हो जाएगा। नहीं तो अब 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे तो आदमी जाएगा भी कहां, आप बताइए। अगर सत्ता के दरवाजे पूरे देश में और प्रदेशों में 24 घंटे खुले रहेंगे और ट्वीट भी आते रहेंगे, देखिए वेलकम। आप इतना बड़ा मीडिया चलाते हैं, आपके पास भी तो कोई भी विज्ञापन दे दे तो आप उसकी रील चलाएंगे ना? नहीं, ये विज्ञापन अलग चीज है और ये अलग चीज है। अरे भैया पार्टी में तो दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, जो भी आता है हमारी नीतियों को देख के, हमारी पार्टी की नीतियों को एक्सेप्ट करके आता है ना। जी, 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 जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है वो हमारी पार्टी की नीतियों को एक्सेप्ट करके आता है। ऐसा तो नहीं ना कोई व्यक्ति कहे नहीं जी मैं कांग्रेस की नीतियों को मानूंगा और मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करूंगा, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा ना। आते ही पूरी तरह से अपने मन को बदल के आता है। हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी की नीतियों को जो स्वीकार करेगा वही हमारी पार्टी में आएगा। अब कांग्रेस में क्या है, आप किसी बच्चे से पूछ लो कि कल को प्रधान कौन बनेगा कांग्रेस पार्टी का,
तो वो राहुल गांधी के बच्चे आगे की पीढ़ी का नाम लेंगे, प्रियंका गांधी के बच्चों का नाम लेंगे, और वरुण पुरोहित जी का तो नंबर ही नहीं लगेगा कांग्रेस पार्टी में कहीं अध्यक्ष बनने का। अरे भाई, वरुण पुरोहित का भी नंबर नहीं और वरुण गांधी का भी नंबर वहां नहीं लगने वाला है। वरुण पुरोहित जी वहाँ ना वरुण पुरोहित का नंबर है और ना वरुण गांधी का नंबर है भाई। और ये आप देखिए, आपने कहा ना सेंट्रल सिस्टम, ये दरअसल वंशानुगत है, ये हायरार्की चल रही है कि पहले शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं, तो फिर नीचे भी ये चल रहा है कि जो बने उनको लगा कि भाई अपना ही करो सब कुछ। तो ये एक बड़ा इसमें ऐसा हुआ कि अब लोगों ने उस चीज़ को नकार दिया, और शायद इसीलिए आप हाशिए पर हैं और आप प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ऊपर आएं, लेकिन नीतियों को बदलना होगा। और जो गांव गली शहर से लेके एक बात कही जा रही है कि गैर गांधी अध्यक्ष हो, अमरिंदर सिंह निश्चित रूप से, सुनील जाखड़ निश्चित रूप से, जो लोग कांग्रेस को फ़ायदा नहीं पहुंचा पाए वो बीजेपी उनसे 4 गुना फायदा ले लेगी। ये बीजेपी की अपनी रणनीति है चंद्रशेखर जी, बीजेपी का को कोई फायदा नहीं होगा जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हो। देखो, मैं तो ग्राउंड के लेवल का आदमी हूँ, राजनीतिक परिवार में पैदा हूँ, मैंने देखा है जिसका पब्लिक कनेक्ट नहीं वो चुनाव नहीं जीतता, और जो चुनाव नहीं लड़ता वो नेता नहीं। अभी आप जिन नेताओं का नाम लेते हो, अभी लिया था एक का इन्होंने भी, राज्यसभा से दिल्ली मलाई चाटू सेटिंग बाद जो दिल्ली में बैठे हैं ये तो दूर होने ही चाहिए कांग्रेस के सिस्टम से। लेकिन जो आप बात कर रहे हो वंशानुगत, देखिए गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व नहीं, लेकिन गांधी परिवार एक सेंट्रल सिस्टम है, अगर वो नहीं सोचेगा तो पार्टी डेफिनेटली रसातल में जाएगी। गांधी परिवार का निर्णय था सिद्धू को भेजने का, पार्टी हारी, उसमें क्वेश्चन अपन ने खिलाफ उसको माना भी नहीं था, अपने को अच्छा भी नहीं लगा, पर मानना पड़ेगा। लेकिन गैर गांधी परिवार अध्यक्ष परिवार से अध्यक्ष भी बन जाएगा तो भी गांधी परिवार के बगैर वोट कैचर कोई नहीं है देश के अंदर। ठीक है, ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी की तो संक्षिप्त संक्षिप्त जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा, संक्षिप्त जवाब दे दीजिए कि क्या आपको नहीं लग रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह से नुकसान हो रहा है आपको बड़ा? देखिए, जो नुकसान होना था हो चुका, बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। ये नेता सब अगर बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी का नुकसान हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो हिस्सा है उसका नुकसान हो रहा है, जो कांग्रेस में बीमारी आ रही वो कर लेंगे आप बीजेपी में आ गए, वो आपकी चिंता कर रहे हैं आप उनकी चिंता कर रहे हैं। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। अमित अरोड़ा जी, अमित अरोड़ा दीवान जी, वरुण पुरोहित जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं पंजाब में बीजेपी को नया कप्तान मिल चुका है, अब बीजेपी की रणनीति होगी कैसे फायदा अर्जित किया जाए और कैसे अपने जनाधार को पंजाब में बढ़ाया जाए। बहरहाल, देश विदेश की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडी न्यूज़।